गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं देन आपको पता होगा कि मेरे बाल बहुत ही लंबे थे बट मुझे उन्हें कट करना पड़ा जस्ट बिकॉज मेरे बहुत ही हेयर फॉल हो रहे थे। लेकिन उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया एक हेयर केयर रूटीन एंड रिलीजियसली आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट हेयर केयर रूटीन। आफ्टर वन मंथ मैं अपने बालों पर एक ह्यूज डिफरेंस नोटिस कर रही हूँ एंड उसी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत ही हेयरफॉल प्रॉब्लम सबके घरों में है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प होगी एंड एक ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बाल इतने छोटे हो गए थे और इतने लंबे बालों से एकदम छोटे बाल हो जाना मतलब डिप्रेशन एंड ऑल। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया कि कौन सा ऑयल खरीदना चाहिए, कौन सा हेयर शैम्पू खरीदना चाहिए, सब कुछ। एंड मैंने ये पढ़ा कि अनियन इज वेरी गुड फॉर योर हेयर क्योंकि उसमें सल्फर है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होता है और हेयरफॉल प्रिवेंट होता है। लेकिन हर रोज अनियन को पीस कर उसे अप्लाई करना नहीं हो पा रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो अनियन बेस्ड हो, जो अनियन का जो प्रॉपर्टी है वो भी मुझे मिले, ऊपर से झंझट ये झमेला भी नहीं करना पड़े मुझे। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद आई फाउंड दिस ऑयल। ये है अनियन ऑयल। एक बात, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो ये मत सोचना कि स्पॉन्सर्ड है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आई जस्ट गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स एज फॉर मैं शेयर कर रही हूँ अपने हेयर केयर रूटीन। तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया इसे अप्लाई करना। रिलीजियसली मैं वीक में 2 times इसे अप्लाई करती थी एंड ऐसा नहीं था कि मैं रात को ही अप्लाई करती थी। कभी कभार रात को अप्लाई करती थी, कभी कभार शावर लेने से 1 घंटा पहले अप्लाई करती थी, जैसा मेरा शेड्यूल रहता था क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं तो रात को कभी कभार मैं स्किप भी कर जाती थी। तो उस टाइम क्या करती, शैम्पू करने से आधा या 1 घंटा पहले मैं इस ऑयल को अप्लाई करती थी एंड ये ऑयल ट्रस्ट मी मुझे इतना बेनिफिट्स मुझे मिला है इस ऑयल से। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे बाल बहुत ही रफ हो गए थे और उसके अलावा क्या थे, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे तो मैंने बहुत दिनों से कट भी नहीं किया था, तो की वजह से बहुत ही ज्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी यू कैन सी कि माय हेयर्स आर लुकिंग सो शाइनी एंड सो सॉफ्ट। अभी बहुत ही शाइनी एंड बाउंसी हो गए हैं एंड मैनेजेबल भी बन गए हैं एज बिकॉज ऑयलिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर, मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हेयरफॉल को भी रोकना चाहिए ना, तो ये वाला ऑयल मेरे हेयरफॉल के प्रॉब्लम को भी रोका है एंड ऑयलिंग करती हूँ मैं अपने हेयर्स पे, मतलब मैं स्कैल्प पे भी अप्लाई करती हूँ, अपने होल टिप्स पर भी अप्लाई करती हूँ, पूरे बालों पर मैं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जितना देर आप रख पाओ उतनी देर रख कर मैं शैम्पू कर लेती हूँ, तो उससे मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो गया एंड रिलीजियसली मैंने इसे 1.5 महीने तक फॉलो किया है एंड फिर आई एम शेयरिंग this review with you all। मेरे बाल लंबे हुए हैं एंड आई एम सीइंग द डिफरेंस। आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है और ये सिर्फ 1 महीने पहले की बात है एंड इस 1 महीने में ही इतना ग्रोथ हुआ है। सो आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी विद दिस रिजल्ट। मैं कभी भी पैराबेन वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती, आप सभी को पता है, तो दिस इज पैराबेन फ्री हेयर ऑयल। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयरफॉल को रोकता है, इनफैक्ट हेयर को इतना सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है। लेकिन इसका बस एक ही मुझे चीज पसंद नहीं है कि ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंस में है, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैं इसे शैम्पू करने से पहले अप्लाई करती हूँ, तो आई डोंट केयर। मुझे बस बालों में जो मेरा हेयर इश्यूज थे वो मुझे ठीक हो जाए, बस मुझे वही चाहिए एंड मेरे बाल बहुत ही हेल्दी है लुकिंग एंड सॉफ्ट शाइनी एंड बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो और क्या चाहिए। ठीक है तो क्या हुआ, मैं रात को भी इसे अप्लाई कर सकती हूँ, शैम्पू से पहले अप्लाई करती हूँ तो शैम्पू करने के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये कार्डबोर्ड केस में आता है जिसके अंदर है बॉटल। बॉटल में पंप सिस्टम है जो मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ ट्रैवल फ्रेंडली भी है, कोई लीकेज भी नहीं होता और लगाने में भी आसानी होती है। इसमें प्रो सल्फर फार्मूला है, केराटिन बूस्टर्स है, प्योर एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से हमारे बालों के जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको ये ट्रीट करता है। सिर्फ और सिर्फ अनियन हेयर ऑयल ही नहीं है, इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे हेयर को एक शाइन देते हैं, उसके साथ साथ बाउंसी भी बनाते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल है, आमंड ऑयल, अनियन ऑयल, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऐसे बहुत सारे ऑयल्स के मिक्सचर इसके अंदर है। इसमें आपको 2 years की शेल्फ लाइफ मिलेगी। ये 200 ml का एक बॉटल है जिसका प्राइस है 999 rupees, बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अमेजन पर मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इस ऑयल में कोई एडेड पैराबेन, मिनरल ऑयल, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है।
अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. यू गाइस कैन सी कि मेरे बाल अभी कितने हेल्दी लुकिंग एंड कितने शाइनी हो गए हैं एंड बहुत ही बाउंसी मुझे फील होता है, बहुत ही बाउंसी. एंड ऐसा नहीं कि मेरे बाल मैनेजेबल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है. यू कैन सी कि मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी हो गए हैं एंड आई एम जस्ट लविंग द इफेक्ट ऑफ इट. सो या अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय.